फलनों के दो तथा तीन चरों की दो तथा तीन चरों के फलन चरों के फलन चरों के फलन तथा अंतरिक्ष में तथा अंतरिक्ष में अंतरिक्ष में पृष्ठों की पहचान पृष्ठों की पहचान की पहचान मैथमेटिक्स थर्ड। हाँ देखिए एक्स वाई दो चरों के रूप में एक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू एच एक्स वाई प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो प्लस सी इज इक्वल टू या विभिन्न स्थितियों में दो सरल रेखाएं और शांकों को निरूपित करता है। कौन शांकों निरूपित करता है, किस स्थिति में रेखाएं होंगी, इसके लिए एक समीकरण है डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। इसी पर विचार करते हैं। देखिए अगर कोई इक्वेशन इस रूप में दिया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो, यह दो रेखाओं को निरूपित करता है कि परवलय है कि दीर्घवृत्त है, माने कौन सा शांकव है, इसके लिए हम डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर पर विचार करते हैं। इसके लिए यदि डेल्टा इज इक्वल टू जीरो हो जाता है तो दो सरल रेखाएं हैं। अगर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो है तो दो सरल रेखाएं निरूपित करेगा, दो सरल रेखाएं, दो सरल रेखाएं निरूपित करेगा। अगर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो नहीं है, यदि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यह वृत्त हो सकता है, परवलय हो सकता है, दीर्घवृत्त हो सकता है, अति परवलय हो सकता है। इसके लिए हम देखते हैं कि पहला, यदि a इज इक्वल टू b हो और h इज इक्वल टू जीरो हो तो यह वृत्त होगा। इसमें a और b इक्वल हो, h की वैल्यू जीरो हो, h पद ना हो, तो दिया हुआ शांकव वृत्त होगा। दूसरी कंडीशन है ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो तो यह परवलय होगा।
थर्ड कंडीशन यह है कि ए बी माइनस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो हो, यह दीर्घवृत्त होगा, दीर्घवृत्त। फोर्थ है ए बी माइनस एच स्क्वायर इज लेस देन जीरो हो तो अति परवलय। ए बी माइनस एच स्क्वायर इज लेस देन जीरो और ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो, समकोणीय अति परवलय होगा, समकोणीय अति परवलय। अब ध्यान से देखिए, दिया हुआ सांक ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप का हो तो यह क्या निरूपित करेगा? इसके लिए डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी है वाई स्क्वायर का गुणांक, सी है अचर पद, एफ है 2y का कोफिशियंट, g है 2x का कोफिशियंट और h है 2xy का कोफिशियंट। माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर पर हम विचार करते हैं। यदि डेल्टा जीरो है तो दो सरल रेखाएं निरूपित करेगा, अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो यह कंडीशन आएगी। पहली कंडीशन यह होगी कि यदि a और b बराबर हैं और h बराबर जीरो है तो यह वृत्त होगा। यदि ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है तो परवलय होगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो है तो दीर्घवृत्त होगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज लेस देन जीरो तो अति परवलय होगा और ए बी माइनस एच स्क्वायर इज लेस देन जीरो और a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो तो समकोणी अति परवलय होगा। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। अब ध्यान से देखिए, एक एक चीज के बारे में हम आपको बताएंगे। पहला देखिए कि वृत्त का समीकरण, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो तो केंद्र जीरो जीरो और त्रिज्या हो जाएगी ए। जीरो जीरो और त्रिज्या हो जाएगी ए। यदि दिया हुआ समीकरण हमारा इस रूप का है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, केंद्र जीरो जीरो और त्रिज्या बराबर ए। यदि समीकरण है इस तरह का है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो केंद्र हो जाएगा हमारा माइनस जी माइनस एफ, त्रिज्या हो जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। सबसे पहले हम विचार करेंगे कि डेल्टा जीरो नहीं है तो हम देखें कि यदि ए और बी बराबर हैं और एच का पद नहीं है तो अब वृत्त होगा। वृत्त का साधारण समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, केंद्र होता है जीरो जीरो और त्रिज्या उसकी होती है ए। यदि वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन, वाई स्क्वायर का कोफिशियंट वन और एच का पद नहीं है, इसलिए यह वृत्त का समीकरण है। इसका केंद्र हो जाता है माइनस जी माइनस एफ और त्रिज्या है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। यह रहा है आपका वृत्त।
अब हम बताएंगे आपको परवलय। परवलय में देखिए ए बी माइनस एच स्क्वायर बराबर जीरो है तो परवलय होगा। परवलय का पहला समीकरण है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। यह शीर्ष होता है, शीर्ष है इसका जीरो जीरो, इसे ना भी कहते हैं ए जीरो, इसे नियता कहते हैं एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। शीर्ष जीरो जीरो, नाभ ए जीरो, नियता एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, नाभिलंब इज इक्वल टू फोर। नाभिलंब का होता है नाभ से होकर जाने वाली वह जीवा जो लंब हो उसे कहते हैं नाभिलंब, इसकी लंबाई होती है 4a। यह हमारा परवलय y स्क्वायर 4ax रहा। नेक्स्ट अगर इधर हम बनाएं शीर्ष 0 0, यह है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। शीर्ष हमारा है 0 0, ना भी है माइनस ए जीरो, नियता है एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। शीर्ष जीरो जीरो, नाभ माइनस ए जीरो, नियता एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, नाभिलंब पूरी। अब दूसरा हमारा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई। इसका भी शीर्ष है जीरो जीरो, ना भी है जीरो ए, यह नियता है, नियता हो जाती है वाई प्लस ए इज इक्वल टू। शीर्ष जीरो जीरो, ना भी जीरो ए, नियता वाई प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, ना विलंब पूरे। अगर इसको हम इस तरीके से बनाएं
यह शीर्ष है 0 0, नियता हो जाएगी y प्लस ए, y माइनस ए इज इक्वल टू 0, ना भी हो जाएगा 0 माइनस ए। शीर्ष 0 0, ना भी 0 माइनस ए, नियता y प्लस ए इज इक्वल टू 0, y माइनस ए इज इक्वल टू 0, ना विलंब 4a। ध्यान से देखिए, यदि डेल्टा ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर 0 नहीं है तो यह संकह होगा। अब कौन सा संकह होगा उस पर हम विचार करें, तो ए बी माइनस एच स्क्वायर बराबर 0 या एच स्क्वायर बराबर ए बी हो तो यह परवलय होगा। पहला परवलय है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका शीर्ष है 0 0, ना भी है a 0, नियता x प्लस a इक्वल टू 0, ना विलंब 4a। ना विलंब जो होता है वह ना विषय होकर जाने वाली जीवा जो होती है वह अक्ष पर लंब होती है। दूसरा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax में शीर्ष 0 0, ना भी माइनस a 0, नियता x माइनस a इज इक्वल टू 0, नियता x माइनस a इज इक्वल टू 0 और ना विलंब है 4a। अगर y h के सापेक्ष हम देख रहे हैं, ये परवलय x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो, शीर्ष 0 0, नाभ 0a, नियता y प्लस a इज इक्वल टू 0 और ना विलंब 4a होगा। यदि परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay हो, तो उसकी अभी शीर्ष 0 0, नाभ 0 माइनस ए, नियता वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0 और नाभिलंब 4a होगा। यह हमारी 4 स्थितियां परवलय की हैं, इसमें से कोई भी रहे तो उसकी पहचान हम कर सकते हैं। अतः ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या एच स्क्वायर बराबर ए बी तो यह परवलय होगा, और परवलय में यह 4 दिशाएं दी गई हैं। इसके बाद हम बताएंगे आपको इलिप्स या दीर्घवृत्त। ए बी माइनस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो तो दीर्घवृत्त होता, दीर्घवृत्त इलिप्स। दीर्घवृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
यह केंद्र है, जीरो जीरो, ये नाभियां हैं ए ई जीरो माइनस ए ई जीरो, शीर्ष ए जीरो माइनस ए जीरो, जीरो बी जीरो माइनस बी, नियता होती है एक्स इज इक्वल टू ए ए अपान ई जीरो माइनस ए अपान ई। ध्यान से देखिए, यहाँ बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, ई इज लेस देन वन, ई को कहते हैं उत्केंद्रता। ए ए डैश बी बी डैश, ध्यान से देखिए, x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन में ए ए डैश दीर्घ अक्ष है और दीर्घ अक्ष बराबर होता है टू ए, बी बी डैश को कहते हैं लघु अक्ष, वह बराबर होता है टू बी, केंद्र सी जीरो जीरो होता है, नाभियां यस यस डैश ए जीरो और माइनस ए जीरो, शीर्षों के निर्देशांक होते हैं ए जीरो माइनस ए जीरो और लघु अक्ष का होता है जीरो बी और जीरो माइनस बी, नियता होती है यक ए अपान ई जीरो यक्स इज इक्वल टू ए अपान ई। x इज इक्वल टू माइनस ए अपान, उत्केंद्रता ज्ञात करने के लिए हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, जहां e इज लेस देन वन, e का मान अगर एक से कम है तो वह दीर्घवृत्त बनाता है, दीर्घवृत्त का सामान्य समीकरण होता है x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ए ए डैश को दीर्घ अक्ष कहते हैं, वह बराबर होता है टू ए, बी बी डैश को कहते हैं लघु अक्ष, वह बराबर होता है टू बी, ए का निर्देशांक ए जीरो, ए डैश का निर्देशांक माइनस ए जीरो, बी का निर्देशांक जीरो बी और बी डैश का जीरो माइनस, केंद्र जीरो जीरो है, नाभियां ए ई जीरो और माइनस ए ई जीरो, नियता होती है यक्स इज इक्वल टू ए अपान ई और यक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपान ई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, इससे हम उत्केंद्रता ई ज्ञात करते हैं, ई का मान एक से कम होता है तो दीर्घवृत्त होता है, अगर ई का मान एक से ज्यादा हो जाएगा तो वह हो जाएगा अतिपरवलय या पैराबोला। अब हम आपको पैराबोला के बारे में बताएंगे, यदि ए बी माइनस एच स्क्वायर इज लेस देन जीरो हो तो अतिपरवलय होता है, अतिपरवलय
यह है केंद्र 0 0, यह शीर्ष है ए 0 माइनस ए 0। ए ई 0 नाभियां है, स्थिरता निकालने के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ई इज ग्रेटर देन। ध्यान से देखिए, हाँ, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज लेस देन 0, ये अति परवलय होगा। अति परवलय में सी केंद्र है 0 0। समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। शीर्ष है ए 0 और माइनस ए 0, नाभियां हैं ए 0 माइनस ए 0, केंद्र 0 0 है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 से हम उत्केंद्रता ई की वैल्यू निकालते हैं। ई का मान 1 से ज्यादा होता है, अगर 1 से कम है तो वह दीर्घवृत्त हो जाएगा, 1 से अधिक है तो वह अति परवलय होता है। अति परवलय में अनुप्रस्थ अक्ष होता है 2a और संयुग्मी अक्ष जो है bb डैश बराबर होता है 2b। अनुप्रस्थ अक्ष होता है 2a। यह रहा है आपका दीर्घवृत्त और अति परवलय। अगर इसी में a प्लस बी बराबर 0 हो जाता है तो यह समकोणी अति परवलय होता है। अब हम कुछ प्रश्नों की सहायता से निकालेंगे कि दिया गया संकव क्या है, पर विशेष ध्यान दीजिए। टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यह दिया हुआ संकव है। अब हमें पता लगाना है कि कौन सा संकव है। यहाँ देखिए a इज इक्वल टू 0, इससे हम तुलना करते हैं तो x स्क्वायर का कोफिशियंट 2, y स्क्वायर का कोफिशियंट यानी b बराबर 2, x का गुणांक 2g बराबर है माइनस 6, f है 0,
एच है जीरो और सी बराबर है फाइव, तो यहां से जी हो जाएगा आपका माइनस सी। अब डेल्टा का मान हम निकालते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, टू इंटू फाइव प्लस, ये आपकी वैल्यू जीरो है, ये जीरो हो जाएगा माइनस, ए की वैल्यू टू है, एफ की वैल्यू जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा माइनस, बी की वैल्यू टू है और जी की वैल्यू है माइनस थ्री, यह भी जीरो हो जाएगा, एच की वैल्यू जीरो है। यह हो गया आपका 20-18 इज इक्वल टू टू नॉट इक्वल टू जीरो, यह जीरो नहीं है, इसलिए सांको है, क्योंकि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू टू एच इज इक्वल टू जीरो, इसलिए वृत्त है। हाँ देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया है टू एच स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, इसकी तुलना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा ए बी सी प्लस टू एफ सी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर में मान रखते हैं। ए की वैल्यू आ गई है टू, बी की वैल्यू है टू, टू जी बराबर है माइनस सिक्स तो जी इक्वल टू माइनस टू, एफ इक्वल टू जीरो, एच इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू फाइव। यह मान डेल्टा इक्वल टू ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर में रखने पर टू इंटू फाइव प्लस जीरो माइनस टू ब्रैकेट में माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस जीरो, यह ट्वेंटी माइनस एट इज इक्वल टू टू नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि शून्य नहीं है डेल्टा, इसलिए यह संभव। और ए बराबर भी दो है, बी बराबर भी दो है, एच बराबर जीरो है, इसलिए दिया गया संभव बिल्कुल। दी हुई कंडीशन को हम रखने पर यह सिद्ध हो गया कि दिया हुआ संभव वृत्त है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की पहचान करनी, यहां पर देखिए y स्क्वायर वैल्यू a है 1 दिया है, हम जानते हैं कि b स्क्वायर h स्क्वायर माइनस b या ए बी माइनस एच स्क्वायर दिया गया परवलय है, परवलय का हम निकालेंगे
ए जीरो 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 एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एन आविलंब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स की पहचान करनी है हमको ये दिया गया काम का परवल है उसका सिर्फ जीरो जीरो ना भी ए जीरो नियता एक्स इज इक्वल टू माइनस ए है ना विलंब है फोर ये पहचान हुई दीर्घवृत्त ठीक है तो सारे शांकों की पहचान करने के बाद अब हम आंशिक अवकलन बताएंगे आंशिक अवकलन u is equal to u is equal to log x square plus y square u is equal to अब हमें निकालना है डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल एक्स आंशिक अवकलन में एक्स वाई को दो चर दिए हैं यदि एक्स के सापेक्ष हम निकालते हैं तो वाई अचर होता है लाग का होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई पुनः हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x y स्क्वायर अचर है तो उसका अवकलन हो जाएगा 0 यह बराबर हो गया आपका 2x x स्क्वायर प्लस y y के सापेक्ष करें डेल यू डेल वाई अब यहाँ x अचर हो जाए लाग का होगा वन अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू x स्क्वायर अचर है तो उसका अवकल गुणांक जीरो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 2y अपॉन x स्क्वायर प्लस y यहाँ से देखिए दिया है u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन जब हम करते हैं तो डेल u del x is equal to 1 upon x square plus y square x square का अवकलन होगा 2x
वाई स्क्वायर अचर है तो उसका अवकल गुणांक हो जाएगा जीरो। अब टू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल यू डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन टू एक्स स्क्वायर का अवकलन जीरो और वाई स्क्वायर का टू वाई बराबर टू वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, U इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, सिद्ध करना है कि डेल एक्स प्लस डेल यू डेल वाई प्लस डेल यू डेल जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल यू डेल एक्स, अब जब एक्स के सापेक्ष करेंगे तो वाई और जेड दोनों कांस्टेंट होगा, यह हो जाएगा टू एक्स वाई प्लस वाई जेड कांस्टेंट है जीरो प्लस जेड स्क्वायर कांस्टेंट है एक्स का वन। वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल यू डेल वाई एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है वाई का वन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड कांस्टेंट है वाई स्क्वायर का टू वाई जेड और जेड और एक्स दोनों कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा। यह रहा आपका वन, यह रहा टू, और जेड के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, जेड के सापेक्ष अवकलन करने पर जेड के सापेक्ष करेंगे तो डेल यू डेल जेड, अब एक्स और वाई यहां कांस्टेंट होंगे तो जीरो प्लस वाई स्क्वायर, जेड का वन हो जाएगा, जेड स्क्वायर का टू जेड, यह रहा तीन। अब वन टू थ्री को जोड़ने पर जोड़ने पर डेल यू डेल एक्स प्लस डेल यू डेल वाई प्लस डेल यू डेल जेड इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यही सिद्ध करना था। ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन हमारा है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर वाई और जेड कांस्टेंट हो जाएंगे, डेल यू डेल एक्स हो जाएगा टू एक्स वाई प्लस जीरो प्लस जेड स्क्वायर। वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाएगा, तो डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई जेड प्लस जीरो। जेड के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स और वाई कांस्टेंट हैं, तो डेल यू डेल जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जेड एक्स। वन टू थ्री को जोड़ने पर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर।